नमस्कार दोस्तों, आज हम मटर की कचौरी बनाने की रेसिपी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आटे में हम आधा टीस्पून नमक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मगरेल और 1.5 टीस्पून घी डाल लेंगे। और घी डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आटा गूंथ लेंगे। और आटा गूंथते समय ये ध्यान रखें कि हमारा आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आटा सॉफ्ट रहेगा तो कचौरी हमारी बहुत ही अच्छे बन के निकलेगी। हमने आटा अच्छे से गूंथ लिया है। आटा गूंथने के बाद हम इसको एक कॉटन के कपड़े से ढक करके रख देंगे। और इन द मीन टाइम हम अपने हरे मटर की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। उसमें हम जीरा, मस्टर्ड सीड और अपना अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इस स्टेज पे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करते ही हम उसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही आप बेसन ऐड करेंगे, आप उसको कंटिन्यूसली मिक्स करें, अदरवाइज वो पैन में स्टिक हो जाएगा। यहाँ हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम हरा मटर, जो कि हमने दरदरा पीस लिया है, उसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमको मटर को फाइनली पेस्ट नहीं करना है। अब हम ढक के रख देंगे। थोड़ी देर बाद चेक करें और सौते कर लें। अब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे और सबको मिक्स कर देंगे। बीच बीच में हमें हमारा स्टफिंग चेक करते रहना है। ये देखिए, हमारा स्टफिंग बन करके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको किनारे रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। लगभग 20 मिनट के लिए हमने हमारे आटे को सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो यह हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम एक एक करके लोई काट लेंगे। यहाँ हम पहली लोई लेंगे। लोई को हम ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में लेंगे और उसमें हम स्टफिंग ऐड कर देंगे। ओवर स्टफ नहीं करना है, अदरवाइज जब आप इसको बेलेंगे तब हम जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। स्टफिंग भरने के बाद उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे और हल्के हाथों से टैप करके उसको सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा हम बेल लेंगे, सो दैट हमारा स्टफिंग सेट हो जाए। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक करके अपनी कचौरी ऐड कर देंगे तेल में और उसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करते वक्त किनारे से तेल को ऊपर कचौरी के डाल लें, इससे कचौरी हमारी फूलने लगेगी और लास्ट में बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी।
कचौरी को अच्छे से डीप फ्राई करें जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। कचौरी हमारी बनकर के तैयार है, टेक इट आउट ऑन अ प्लेट और इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व करें एंड एन्जॉय इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।